हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। मैं हूं अभिषेक चलवार और मैं आपका स्वागत करता हूं स्टार लाइक में। तो गाइस, नवाजुद्दीन सिद्दीकी की एक मूवी थी जो 2014 में उसका पोस्ट प्रोडक्शन ख़त्म हो गया था, लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन इशूज़ की वजह से अटकी हुई थी और रिलीज़ नहीं हो पा रही थी। तो उस मूवी का नाम था धूमकेतु। वो मूवी अब रिलीज़ हो गई है Zee5 पे फाइनली। तो अभी मैंने वो देखी है, तो मैं आपको इस वीडियो में वही बताने वाला हूँ मूवी आपके देखने लायक है या नहीं है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए। मूवी का नाम है धूमकेतु। धूमकेतु का रन टाइम है 1 घंटे 42 मिनट का, ऑलमोस्ट 2 घंटे की मूवी है। और इसकी IMDb पे रेटिंग चल रही है 6.2 अभी करंटली, और इसे आप देख सकते हो Zee5 पे। और इसकी कास्ट की बात करूँ तो कास्ट में नवाजुद्दीन सिद्दीकी हैं धूमकेतु के मेन रोल में, अनुराग कश्यप हैं इंस्पेक्टर बदलानी के रोल में, रघुवीर यादव हैं दद्दा के रोल में जो नवाजुद्दीन के फादर हैं, और इला अरुण है संतो बुआ के रोल में जो धूमकेतु की बुआ है। और बाकी उसके अलावा कुछ स्पेशल अपेयरेंसेस भी हैं इसमें काफ़ी सारे एक्टर्स की, जैसे कि अमिताभ बच्चन हो गए, रणवीर सिंह हो गए, सोनाक्षी सिन्हा हो गई और चित्रांगदा सेन हो गई। तो स्टोरी की बात करूँ तो स्टोरी एक स्ट्रगलिंग राइटर की है जो यूपी का रहने वाला है। वो अपने घर से भाग जाता है मुंबई फिल्मों की स्क्रिप्ट लिखने के लिए। वहीं उसके भागने के बाद उसके घर वाले एक कंप्लेन लिखवाते हैं पुलिस में यूपी में, जो ट्रांसफ़र हो जाती है मुंबई में, और वहां पे वो केस मिलता है इंस्पेक्टर बदलानी को जिसका रोल कर रहे हैं अनुराग कश्यप। तो इंस्पेक्टर बदलानी जो है वो एक बहुत ही आलसी और बहुत ही रिश्वतखोर पुलिस ऑफिसर है। वो अपना काम ठीक से करता नहीं है, तो उसकी जो सीनियर है वो कहती है तुमने अभी तक एक भी केस सॉल्व नहीं किया है, अगर तुमने ये केस सॉल्व नहीं किया तो तुम्हें कहीं बुरी जगह ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। 30 दिन मिलते हैं उसे एक केस सॉल्व करने के लिए, और वहीं धूमकेतु को भी 30 दिन मिलते हैं अपने आप को एज अ राइटर इस्टेब्लिश करने के लिए मुंबई में। तो उन 30 दिन में धूमकेतु खुद को एज अ राइटर इस्टेब्लिश कर पाता है या नहीं कर पाता, और इंस्पेक्टर बदलानी धूमकेतु का केस सॉल्व कर पाता है नहीं कर पाता, उसे ढूंढ पाता या नहीं ढूंढ पाता, यही पूरी मूवी की स्टोरी है। अब ये सब जानने के लिए आपको देखना पड़ेगा धूमकेतु मूवी Zee5 पे। बात करते हैं परफॉर्मेंसेस की। तो परफॉर्मेंसेस की बात करूँ तो नवाजुद्दीन सिद्दीकी की बात करते हैं सबसे पहले। नवाजुद्दीन एक लेजेंड है, इसमें कोई शक नहीं है। और ये मूवी है 2014 की, जब तो नवाजुद्दीन सिद्दीकी एक राइजिंग स्टार थे, और वो चीज़ इनकी परफॉर्मेंस में दिखती है कि नॉर्मल से रिटर्न मटेरियल को इतने कितना ज़्यादा इम्प्रोवाइज़ कर दिया और कितने अच्छे से काम किया है। ही इज़ आउटस्टैंडिंग इन हिज परफॉर्मेंस। सेकेंडली है अनुराग कश्यप। अनुराग कश्यप एक बहुत ही शानदार ज़बरदस्त डायरेक्टर ज़रूर हैं, लेकिन मैं ये बात ये नहीं कह सकता कि वो एक बहुत ही बेहतरीन एक्टर भी हैं। एक्टर वो एक एवरेज एक्टर हैं, जितने अच्छे वो डायरेक्टर हैं उतने अच्छे ओवरऑल एक एक्टर नहीं हैं। एक्टिंग के मामले में वो बहुत ही एवरेज हैं, और उन्होंने जो इंस्पेक्टर बदलानी का कैरेक्टर है वो भी ठीक ठाक तरीके से किया है, बहुत ही एवरेज एक्टिंग किया, कुछ खास नहीं किया है। थर्ड जो है वो है रघुवीर यादव दद्दा के रोल में, जो कि धूमकेतु के पप्पा हैं। धूमकेतु के फादर के रोल में वो बाहर से बहुत ही कठोर हैं, अंदर से बहुत सॉफ्ट हैं, और उन्होंने अपने रोल को बहुत अच्छे से किया है। स्पेशली जब भी वो गुस्से में आते हैं वो सीन बहुत देखने लायक होते हैं, बहुत कॉमेडी आती है उस सीन्स पे, आपको हंसी आएगी। फिफ्थ जो है कैरेक्टर है वो है इला अरुण का, संतो बुआ का रोल। संतो बुआ के रोल में वो बहुत ही गजब लगी हैं, और एक सीन है जिसमें वो धूमकेतु की कामयाबी की प्रार्थना करती हैं और कहती हैं कि काफ़ी सारे बड़े बड़े राइटर डायरेक्टर्स अपने काम में फीके पड़ जाएं जिससे उसका धूमकेतु अपना नाम कमा सके। वो सीन बहुत ही अच्छे तरीके से उन्होंने परफॉर्म किया है, और बहुत ही अच्छी तरीके से शूट भी किया गया है। उसके अलावा धूमकेतु और संतो बुआ की जो केमिस्ट्री है वो बहुत ही गजब लगी है देखने में। अब बात करते हैं इसके गुड और बैड एस्पेक्ट्स की। तो पहले बात करेंगे हम बैड एस्पेक्ट्स की। फर्स्ट, डिलेड रिलीज़। ये मूवी 2014 में बनके तैयार हो गई थी लेकिन रिलीज़ नहीं हो पाई थी, और जब भी ऐसा होता है कि कोई मूवी काफ़ी टाइम तक रिलीज़ नहीं हो पाती तो वो बहुत सारे इश्यूज से सफ़र करती है, जैसे कि आउटडेटेड डायलॉग्स, आउटडेटेड राइटिंग, काफ़ी सारी चीज़ें जो उस टाइम के अकॉर्डिंग फिट बैठते थे लेकिन जिस टाइम पे वो रिलीज़ हुई है उस टाइम पे फिट नहीं बैठते। जैसे कि इसमें बॉडी शेमिंग के जोक्स हैं वो 2020 में फिट नहीं बैठते, 2014 के टाइम पे फिट बैठते होंगे, काफ़ी सारे जोक्स हैं ऐसे। सेकंड, लेजी एडिटिंग।
एडिटिंग इसकी थोड़ी लेजी की है क्योंकि इसमें दो फालतू के सॉन्ग्स भी हैं और इसके अलावा अगर इसमें गाने नहीं होते तो भी चलता है। एक गाना है जैस्लिन रॉयल का, वो अच्छा गाना है, बाकी सारे सॉन्ग बेकार हैं। और बिना सॉन्ग के भी मूवी बहुत अच्छी थी, और कई सारे सीन्स ऐसे हैं जो कि एक के बाद एक गैप दिखता है उनके अंदर, तो ये इस वजह से है क्योंकि मूवी बहुत पुरानी है, 2006 साल पहले शूट हुई थी और अब एडिटिंग वगैरह सब कुछ हो गया था इसका 6 साल पहले, अब 2020 में 6 साल बाद रिलीज़ करने का, तो ये सब हो गई। थर्ड जो चीज़ इसमें अंदर बुरी है वो है कि जो धूमकेतु और बदलानी का कैरेक्टर है, इन दोनों के बीच की जो केमिस्ट्री है वो कुछ ज़्यादा देखने को हमें मिलती नहीं। दोनों के कैरेक्टर अलग अलग हैं और बदलानी का कैरेक्टर तो धूमकेतु के कॉन्टेक्ट में ऑलमोस्ट एंड में ही आता है और जहाँ पे वो कुछ ज़्यादा खास कुछ प्रूव कर नहीं पाते, तो वो डोर इनकी बहुत ढीली रह गई है, वो डोर इनको और टाइट करनी चाहिए थी। अब बात करते हैं इसके गुड एस्पेक्ट्स की, तो गुड एस्पेक्ट्स की बात करूँ तो फर्स्ट आउटस्टैंडिंग कास्ट है, जो इसकी पूरी स्टार कास्ट है वो बहुत फैंटेस्टिक है, बहुत ही फेबुलियस है, पूरी कास्ट ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस की है और सारे मजे हुए एक्टर हैं, नवाजुद्दीन हो गए, रघुवीर यादव हो गए या फिर ईला अरुण हो गई। सेकंड, डायलॉग्स बहुत अच्छे हैं इसके, काफ़ी सारे डायलॉग्स जेन्युइनली फनी है और आपको हंसी भी आएगी डायलॉग्स पे, तो डायलॉग्स के मामले में तो बहुत अच्छे से लिखी गई है स्टोरी इसकी। थर्ड, फनी भी है कुछ कुछ जगह पे, कई सारे सीन्स हैं जो आपको फ़नी लगेंगे, जैसे कि एक पागलों का सीन है, उसके अलावा नवाजुद्दीन और रघुवीर यादव के बीच का फाइटिंग का सीन है जब वो उसे थप्पड़ मार देते हैं और वो कहता है आई विल मैनेज, काफ़ी सारे सीन्स हैं जो थोड़े बहुत फ़नी लगेंगे आपको। अब आ जाते हैं कंक्लूजन पे, तो कंक्लूजन मेरा यही होगा कि अगर आप ये चॉपी सी एडिटिंग और ये अननेसेसरी सॉन्ग्स वगैरह को झेल सकते हो और पूरी ऐसी एक स्ट्रॉन्ग कास्ट की परफॉर्मेंस देखना चाहते हो, आउटस्टैंडिंग कास्ट की परफॉर्मेंस, तो आप धूमकेतु देख सकते हो, टाइम पास के लिए ठीक ठाक मूवी है, आपको हंसी भी आएगी और अच्छा खासा टाइम पास हो जाएगा। बाकी अगर नहीं भी देखोगे तो कुछ अच्छा खासा नुकसान नहीं होगा आपका, कुछ खास मिस नहीं करोगे, कॉमेडी मूवी है लेकिन उतनी कुछ खास है नहीं, मूवी एवरेज मूवी है मेरे हिसाब से। सो गाइज, ये था मेरा रिव्यू धूमकेतु का, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और अगर आपने मूवी देख ली तो आप बताओ कि आपको मूवी कैसी लगी कमेंट्स में, और अगर कोई वीडियो का आइडिया हो तो वो भी कमेंट्स में बता सकते हो। मेरा काम पसंद आया तो आप मुझे सपोर्ट कर सकते हो सब्सक्राइब बटन को दबा कर या मुझे सोशल मीडिया पे फॉलो करके। सो गाइज, दिस इज़ अभिषेक चुलवा साइनिंग ऑफ, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन स्टे हैप्पी स्टे ब्लेस्ड टेक केयर।